अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू द पूप लाइव। दोस्तों आज हमारे साथ हैं हमारे एक स्पेशल टॉक में हमजा सुफियान साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं AMUSU 2018-19 में। तो सबसे पहले हम हमजा भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमारे लिए थोड़ा वक्त निकाला, और उसके बाद जो है मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि आपने ये हिम्मत दिखाई और मतलब ये जज्बा जो आपका है कि मतलब कुछ कौम के लिए करना है, तो इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। तो इससे पहले हम अपने सवाल में ज़्यादा आगे बढ़ें, इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपना मुख्तसर सा तारुफ़ अपने हमारे अली बरादरान के सामने पेश कर दें। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे मुबारकबाद दी। मेरा नाम हमजा सुफियान है और इस बार इंशाल्लाह वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, और अलीगढ़ मेरी विलादतगाह भी है, मेरी दर्सगाह भी है, स्कूलिंग भी मैंने पास आउट किया, और यहाँ आज मास कम्युनिकेशन एमए के इस मकाम पे खड़ा हूँ, और 23 साल से इस अलीगढ़ को देखा है बहुत करीब से, और जिस तरीके से इस यूनिवर्सिटी के एक एक ईंटों को बिखरते हुए देखा और जिस तरीके से यहाँ की दरों दीवारों को गिरते हुए देखा, तो मुझे लगा कि आगे आना चाहिए और इंशाल्लाह इस यूनिवर्सिटी की जो गिरती हुई साख है उसको बचाना चाहिए। तो हमजा भाई आपने बहुत अच्छा तारुफ पेश किया, और वैसे मेरा अगला सवाल भी यही होने वाला था कि वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया इलेक्शन लड़ने के लिए AMUSU का, तो इसका जवाब आपने पहले ही दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे जो है जो आपके जो मैनिफेस्टो के 3 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं उनके बारे में बात करना पसंद करूँगा, ये जानना पसंद करूँगा आपसे। ज़रूर देखिए, सबसे पहले जो मेरा एजेंडा जिसकी बुनियाद पर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, उसका सबसे पहला मकसद ये है, मेरे कैंडिडेचर की बुनियादी ये है कि जो अलीगढ़ का कल्चर था, जो उर्दू ज़बान थी, जो हमारी तहजीब थी, वो आज कहीं ना कहीं हम लोगों से खो गई है। जो असातिज़ाए कराम का यहाँ के तुलबा को कुंदन बनाने का जो अहद था, जो अज़्म था, आज कहीं ना कहीं वो खो गया। आज हम लोग अगर उर्दू ज़बान को भूल जाएंगे और अलीगढ़ उर्दू ज़बान को भूल जाएगा, तो मुझे लगता है कि आज जो तराना हम लोग सुनते हैं इस अलीगढ़ का, उसे समझने वाला ही कोई मौजूद नहीं रहेगा। अलीगढ़ तहजीब सिर्फ एक मामूली तहजीब नहीं है, ये एक ऐसी तहजीब है जो हमें भीड़ से अलग करती है और अलीग होने का दर्जा फराहम करती है। जी, जैसा कि आपने बताया और आपने बहुत अच्छी बात की, ये अलीगढ़ और उर्दू का रिश्ता काफ़ी पुराना है, और जो लोग मतलब एक अलीग होने के नाते ये आप लोगों को मालूम होगा कि हमने जो है हसरत मोहानी और उसके बाद मजाज जैसे लोग जब पैदा किए हैं, और ख़ुद सैयद अहमद मरहूम जो है उनका बहुत मकाम है उर्दू में, उर्दू नसर की तारीख जो है उनके बगैर अधूरी है। तो ये पार्टिकुलर आप उर्दू के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैं ये ज़्यादा पसंद करूँगा कि आप पार्टिकुलर एजुकेशन के बारे में कुछ बातें सामने रखें, क्योंकि बाकी चीज़ें भी जो है जिनके बारे में हमें बात करनी है। ज़रूर देखिए, सर सैयद के इस यूनिवर्सिटी को बनाने का मकसद ही ये था कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में साइंस हो, और सर पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हो। तो ये ज़रूरी है कि बिल्कुल अगर उर्दू अदब आपको आता है तो ज़रूरी बिल्कुल है कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, और एकेडमिक्स के सिलसिले में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे सेशनल का इशू है कि उसका कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, उसका कोई प्रॉपर रूल नहीं है कि किस तरीके से होना चाहिए। इन सब सिलसिलों में कंट्रोलर से कई बार बातें हुई, कई बार मीटिंगें हुई, और इंशाल्लाह इस पर काम चल रहा है। सिलेबस इम्प्रूवमेंट की जहाँ तक बात है, इंशाल्लाह कई फैकल्टीज़ में हम लोग गए, वहाँ से फीडबैक्स लिए, और जहाँ तक मुझको फीडबैक मिला है, एक हमारा साइबर लॉ है लॉ के लिए, तो वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और GST कॉमर्स में आ गया है, हमारे कोई पास ऐसा कोई टीचर नहीं है जो फ़िलहाल GST को पूरी तरीके से समझ पाए मगर उसको पढ़ा रहा है। तो बहुत सारी सिलेबस अपडेट की चीज़ें हैं जिनको अपडेट करवाना है, इंशाल्लाह ताला उस पर काम चल रहा है, और यकीनन इंशाल्लाह यहाँ के तुलबा बिरादरी मेरे साथ मजबूती से खड़ी रही तो इंशाल्लाह ताला इन कामों को पूरा किया जाएगा। जी, जैसा कि आपने बात कही साइबर लॉ के बारे में और बहुत मतलब मॉडर्न कोर्सेज के बारे में, तो कुछ चीज़ें मेरे भी जहन में थी और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कभी पूछा जाए, इन चीज़ों पे बात की जाए, कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो मतलब पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं, जो मॉडर्न कोर्सेज होते हैं या वोकेशनल कोर्सेज, खैर वोकेशनल को तो अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन पार्ट टाइम कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। फॉरेन लैंग्वेज में हमारे पास पार्ट टाइम कोर्सेज नहीं है, और कुछ कंप्यूटर या स्पेशलिटी इस तरह के कुछ टेक्निकल कोर्सेज हैं, लेकिन वो सिर्फ गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए है, ये अच्छी बात है, वुमेन एम्पावरमेंट ये हम सबका एजेंडा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे कोर्सेज जो बॉयज़ के लिए भी होने चाहिए, और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ख़ास करके मैं ज़्यादा इस पर फोकस करूँगा, मतलब फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट में जो पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं उसके बारे में आपका क्या एजेंडा है? मेरे ख्याल से ये चीज़ आपके मैनिफेस्टो में पहले से होगी, मैं उम्मीद करता हूँ।
जी बिल्कुल, पार्ट टाइम कोर्सेज बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे कोर्सेज हैं कि इनकी वजह से इंसान के सीवी बहुत स्ट्रांग होता है, और पार्ट टाइम कोर्सेज जिस वक्त के ज़रूरत के हिसाब से भी होना चाहिए। ऐसा पार्ट टाइम कोर्स नहीं होना चाहिए जिसकी 100 साल पहले ज़रूरत थी, आज चलाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो वक्त की ज़रूरत है उस हिसाब से पार्ट टाइम कोर्सेज चलाए जाएँ, और जो वक्त की ज़रूरियात हैं, जिन चीज़ों के आजकल लोग, जिनकी स्पेशलिटी लोगों के पास नहीं है, मैं चाहता हूँ उन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाए। जिन ना जाने क्यों आज हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी कुछ ज़रूरतें ज़रूर हैं, मगर मुझे लगता है कि अगर उससे ज़्यादा साइंस पे और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा अगर फोकस किया जाए और उनके पार्ट टाइम कोर्सेज चलाए जाएँ तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर होंगे। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात की, और ख़ास करके जिस तरीके से उर्दू डिपार्टमेंट ने पहल की है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कुछ कोर्सेज हैं, शायद आपके नज़र से गुजरे होंगे वो कोर्स, कुछ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, लेकिन उसमें कुछ बहुत ज़्यादा अपडेशन की ज़रूरत है। मैंने उसका सिलेबस देखा और मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा, शायद आपने भी देखा होगा। नहीं, अभी मेरी नज़र में तो ये चीज़ें नहीं है फ़िलहाल। जो मेरी नज़र में GST और साइबर लॉ वाली चीज़ थी वो मैंने आपके सामने रखी, और इंशाल्लाह ताला आप बता रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह एक बार फिर से जाऊंगा और इन चीज़ों का अपने मैनिफेस्टो में इंशाल्लाह शामिल करूंगा। और फिर एजुकेशन लेवल पे ही बात हो रही है, और हमारा ज़्यादा इम्फेसिस वही एजुकेशन पे ही है। तो अभी जैसा कि आपने न्यूज़ देखा होगा, मैंने देखा था 5 मई को एक न्यूज़ आई थी IndianExpress.com पे, तो वो न्यूज़ ये थी कि मतलब UGC ने बहुत सारे जर्नल्स जो है ब्लैक लिस्ट कर दिए, तो उसमें AMU के 10 जर्नल है, जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अरबी डिपार्टमेंट के जो है 2-3 जर्नल हैं, क्या मुजल्ला वगैरह, तो इस तरह के जर्नल्स जो ब्लैक लिस्ट हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन लेवल था जो पहले था वो अब नहीं रहा, क्योंकि मतलब क्वालिटी जो है धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, डिक्लाइन हो रहा है एजुकेशन लेवल में। और दूसरी चीज़ जो है मतलब फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अपॉइंटमेंट में, जो लोग मतलब चेयरमैन के करीब रहते हैं उनको अपॉइंट कर लिया जाता है, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है एक मतलब डिक्लाइन की तरफ बढ़ती जा रही हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने इस बात को पहले भी आपसे कहा कि जो यहाँ पे असातिज़ाए कराम का तुलबा को एक कुंदन बनाने का आज़म था वो कहीं गुम हो गया। और रही बात कि हमारे जर्नल्स को ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है UGC की तरफ से, तो मैं आपको बता दूं कि ये हुकूमत की तरफ से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस इदारे को अटैक किए जा रही हैं। आज 4-5 सालों से बहुत से ऐसे इश्यूज उठे, जिना फ़ोटो का इशू है, और आप बता रहे हैं 10-12 जर्नल्स ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई भी ऐसा जर्नल इतना निचले दर्जे का नहीं हो सकता कि उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। लेकिन जैसा आपने बताया कि ये हुकूमत कुछ कर रही है, कुछ खिलाफ कर रही है, लेकिन मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही वाहिद यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके जर्नल ब्लैक लिस्ट किए गए, कई यूनिवर्सिटीज़ के जर्नल ब्लैक लिस्ट किए गए। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि हम उन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हो गए जिनके जर्नल्स ब्लैक लिस्ट किए जा रहे हैं। तो अगर आप इस तरह अगर इस चीज़ को ले रहे हैं कि मतलब हुकूमत मुखालफत कर रही है, तो मेरे ख्याल से ये कहना सही नहीं होगा। लेकिन ये शेमफुल बात है कि हम उन यूनिवर्सिटीज़ में हमें नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक लेवल है, और हमारा जैसा आप बात कर रहे थे शुरू में कल्चर और ये सारी चीज़ें जो मतलब AMU के स्टूडेंट की ये पहचान थी कि कल्चर और सिविलाइजेशन और साथ में एजुकेशन, तो सिविलाइजेशन वो भी डिक्लाइन हो रहा है और कहीं ना कहीं एजुकेशन लेवल भी ख़त्म होता जा रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी जवाल की तरफ बढ़ रही है, और इसको आप मतलब जो संभालने के लिए थामने के लिए आप क्या करना चाहेंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ के जो सिलेबस हैं उनको अपडेट कराना पड़ेगा जो वक्त की ज़रूरत के हिसाब से होने चाहिए। ये नहीं कि 50 साल पहले से वही पीले कागजात, वही पीले नोट्स चलते रहें। यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस तो बना दी गई हैं मगर स्मार्ट नोट्स नहीं हैं, और यहाँ के जो टीचर्स हैं उनको भी मुझे लगता है कि बेहतर गाइड करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, क्योंकि अगर टीचर्स गाइड नहीं करेंगे स्टूडेंट्स को तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स इस चीज़ से महरूम रह जाएंगे कि उन्हें किस रुख पे जाना है। तो सबसे बड़ा रोल यहाँ पे स्टूडेंट्स का नहीं है बल्कि मैं समझता हूँ कि टीचर्स का है। टीचर्स को अपनी पढ़ाई पढ़ाने में बेहतरी लानी होगी, अपने सिलेबस को, अपने पढ़ाने के तरीके को अपडेट करना होगा। अगर पहल असातिज़ाए कराम की तरफ से होगी तो इंशाअल्लाह ताला इस यूनिवर्सिटी का मयार ज़रूर बचेगा। जी, जैसा कि आपने स्मार्ट क्लासेस के बारे में बात की, तो एक चीज़ मुझे भी याद आ गई कि स्मार्ट क्लासेस तो बना दिए गए हैं लेकिन स्मार्ट क्लासेस का इस्तेमाल नहीं है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें उसको यूज़ किया जा सकता है लेकिन टीचर्स ही यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो खैर, ये तो एजुकेशनल इश्यूज़ थे जिन पे हमने बात किया। अब 2-4 बात मतलब जो कॉमन इश्यूज़ हैं उन पे भी बात कर लेते हैं। जैसे हाइजीन का मसला है, डाइनिंग में
प्लेट वगैरह गंदी रहती है या फिर तेल वगैरह जो यूज़ किया जाता है वो घटिया क्वालिटी का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा कैंपस में सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, काफ़ी स्नैचिंग वगैरह हो गई है या मोबाइल वगैरह छीन लिया गया, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, मतलब उसके बारे में आप क्या पहल करेंगे? देखिए, पहल मैंने इस चीज़ के लिए कर दी है। मैंने पिछले कुछ 3-4 दिन पहले BSJ की तरफ एक हादसा पेश आया था, हमारी किसी बहन के साथ उसका पर्स छीन लिया गया था, और आए दिन BSJ में अंबेडकर और लॉ की तरफ आए दिन ये हादसा आम होते जा रहे थे। मैंने जल्दी प्रॉक्टर साहब को ये एप्लीकेशन लिखी इस हादसे के बाद 3-4 दिन पहले जो हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह एक जीप वहाँ पर पूरी तरीके से वहाँ पर खड़ी हुई है और इंशाल्लाह आगे भी खड़ी रहेगी, ये मेरा दावा है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके साथ ही अगर आपके पास भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट में लिख के भेजें, इंशाल्लाह हम आपके कैंडिडेट से वो सवाल बहुत ज़रूर करेंगे। और आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप अपनी तरफ से कोई मैसेज हमारे अलीग बरादरी को देना चाहते हैं तो कुछ लफ्ज़ों में वो मैसेज जो है दे दें। मैं बस एक ही बात पूरी अलीग बरादरी से करना चाहूंगा कि आप लोगों के सामने बहुत से उम्मीदवार हैं और बहुत से लोग अपनी उम्मीदवारी आप लोगों के सामने पेश करेंगे, मगर इस बार आप लोग किसी इलाके या किसी फिरके से हट के जो भी उम्मीदवार जिसको भी आप अपना नुमाइंदा चुनिएगा उससे सवालात ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला उसकी सलाहियत और उसकी काबिलियत के बुनियाद पे वोट कीजिएगा, क्योंकि जो 10-12 सालों से हम लोग एक अच्छे यूनियन और अच्छे प्लेटफॉर्म से महरूम है, इस बार वो गलती ना हो। बस यही गुजारिशात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। जी, मैं भी इनकी बात की पुरजोर तायद करता हूँ और मैं भी आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो अपना नुमाइंदा चुनें, अपना उम्मीदवार चुनें, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और इलाकाइयत के बुनियाद पर या अब तो डिपार्टमेंट की बुनियाद पर भी लोग वोट देते हैं, तो इन सब बुनियादों पर बात ना करके हम लोग अपनी तरक्की और जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करें। और इसके साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में आने के लिए। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप कामयाब हों।